हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 सम नंबर 4 तक देखा था। एक्चुअली 1 और 2 मैंने करवाया था, 3 और 4 आपको होमवर्क में दिया था और सभी ने सही तरीके से किया होगा क्योंकि बहुत इजी सम थे, उसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन था नहीं। आज नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। मेथड वही है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में नंबर 5 में x इज इक्वल टू दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, दिस इज dx, ओके। एंड y के फॉर्म में हमारे पास sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ओके। दोनों का सेपरेटली डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि वेरिएबल क्या है उसमें थीटा, तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा और माइनस cos 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से करोगे तो 2। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं तो माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, दिस इज द डेरिवेशन dx बाय dt। नेक्स्ट y का वो भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय dt का sin थीटा का cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो एक्सप्लेनेशन आया cos थीटा माइनस 2 cos 2। अंडरस्टैंड, दोनों का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेशन हो गया। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन टाइप के सम है जिसमें x का पोजीशन अलग होता है, y डिफरेंट होता है। अल्टीमेटली हमें ढूंढना है dy by dx, तो ऊपर विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेशन में है तो d थीटा से डिवाइड और dx को भी d थीटा से डिवाइड, तो पहले y का आंसर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड माइनस sin थीटा है, तो उसको पहले आगे ला देते हैं 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, दिस इज द आंसर। आगे सभी को समझ में, जस्ट ओनली वैल्यू रखनी है और कुछ नया करना नहीं। कभी कभार कुछ रेफरेंस बुक में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके इतना किया हुआ होता है कि cos 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट किया हो, क्योंकि उसके चार इक्वेशन है 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने के, तो वो किया होता है, कभी कभार ऐसा होता है, पर यहाँ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए किया है नहीं। करोगे तो भी सही है वरना इतना एक्सप्लेनेशन भी सही है, उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। समझ में आ गया सभी को इस तरह के सम, क्लियर। आगे बढ़ते थोड़ा, नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस sin, दैट मींस सबसे पहले x का काम करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही रहेगा क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और sin का विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा, ओके। डेरिवेशन करना था, हो गया। अब y की बारी, तो क्वेश्चन में y क्या है, a ब्रैकेट में 1 प्लस cos, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा a बड़ा रहेगा, 1 का तो 0 कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस sin थीटा, ओके, cos थीटा का माइनस sin थीटा। अल्टीमेटली हमें ढूंढना है dy by dx, तो y का भी थीटा से डिवाइड, x का भी थीटा से डिवाइड, पहले y की वैल्यू तो माइनस बाहर a sin थीटा, नीचे a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ये तो कैंसिल, ओके। इसमें sin और cos का कुछ कैंसिलाइजेशन हो नहीं रहा है, पर एंगल आधा करने का, sin का एंगल आधा करने का कितने इक्वेशन है, 2। इसमें से पहला ऐसा लिख सकता हूं मैं 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2, क्या है 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2, सेम में नीचे 1 minus cos थीटा का डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 sin square थीटा by 2, अगर 1 प्लस होता तो 2 cos square थीटा by 2 होते, 1 minus है तो 2 sin square, अगेन 2 कैंसिल, sin कैंसिल और square कैंसिल, तो cos upon sin, तो minus cot theta by 2, this is the final answer। बैठ गया दिमाग में,
अंडरस्टैंड सभी को आया समझ में, जस्ट ओनली x का भी रिस्पेक्ट को जो वेरिएबल है वही y का भी उसी उसी मेथड से देन डिवाइड बाय dx ना, क्लियर सबको? किसी को डाउट नहीं ना? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा चालू वीडियो में ही, क्योंकि इसको मैं रब कर रहा हूं और आगे दो सम करते हैं हम जा, क्लियर भी समझ में आ रहा है सभी को? यस रब कर दो भी। नेक्स्ट कंटिन्यू बेटा नंबर 7 थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पहले उसी मेथड्स और इस टाइम पे थोड़े क्लियर समझो उसको पहले खत्म करते हैं। तो उसी में नंबर 8 7 बार में नहीं कर पाऊंगा, ए ब्रैकेट में है cos t प्लस log tan t / 2 ओके y को बात करें तो पहले x, चलो वेरिएबल क्या दिख रहा है t, तो x का विद रिस्पेक्ट टू t dx y dt ये बढ़ा रहा है, cos t का माइनस sin t log tan t / 2, log t होता तो 1 / t होता, तो log tan t / 2 तो 1 / tan t / 2 ओके, tan t / 2 का विद करोगे तो sec square tan का क्या होगा sec square by 2 as well, अभी भी 10 का किया है, t by 2 का गेन करोगे तो 1 by 2 t का मान हो जाएगा, by 2 को पढ़ा रहे समझ में आया फिक्स है, cos t का minus sin t log 10 t by का 1 by 10 t by 2, 10 t by 2 का फिक्स है sec square t by 2 और t by 2 का फिक्स है 1 by 2 ओके, डेरिवेशन खत्म हो गया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, ए ब्रैकेट हमारे पास से माइनस साइन टी इसकी बात करें टेन टी बाय टू तो साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू, कॉस डिवाइड इसे टेन डिवाइडेशन ऊपर तो कॉस टी बाय टू ऊपर और साइन टी बाय टू नीचे, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, चलो सेक स्क्वेयर टी बाय टू उसकी जगह पे वन बाय कॉस स्क्वेयर टी बाय टू लिख सकते हैं ना, और वन बाय टू एज वेल, यस और नो? ओके ये भी समझ में आ गया, थोड़ा आगे a ब्रैकेट में माइनस साइन t, चलो यहाँ पे cos और ये स्क्वायर कैंसिल, प्लस ऊपर कुछ नहीं है तो 1 नीचे 2 है, साइन t / 2 बचा, cos t / 2 बचा, अभी और एक टर्म माइनस साइन t, देखो अभी ही हमने साइन का आधा करने का इक्वेशन देखा था साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, तो 2 sin t / 2 cos t इसका वापस इक्वेशन ले तो एंगल दुगना करना पड़ेगा, तो t / 2 का दुगना एंगल क्या आ तो sin t ओके, आधे का दुगना करोगे तो पूरा हो जाएगा, चलो a ब्रैकेट में यहां पे काम करते हैं sin t को LCM ले लेते हैं, तो sin का इसके साथ तो माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 a 1 माइनस sin स्क्वायर t माइनस आते तो उल्टा कर दो इस आयत माइनस साइन स्क्वायर टी पीछे ऊपर वन आ गया तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या कॉस स्क्वायर टी, और नीचे क्या है साइन, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन हो गया, इससे आगे भी होगा नहीं हो करना भी ओके, अभी हमारा वाई बात ये तो जस्ट कॉन्फ्लिक एक्स की बात हुई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई कंटिन्यू समय ए साइन बहुत छोटा सा a sin t ओके, नाउ डिवाइड बाय dt तो a cos t मतलब डिवाइड बाय dt तो a cos t हमें ढूंढना क्या है डिवाइड बाय dt तो y का t के साथ डिवाइडेशन और x का भी t के साथ डिवाइडेशन, चलो वैल्यू डालो तो y की वैल्यू तो y की है भी a cos t, व्हाट इज x की वैल्यू तो ये रहा पूरा ये है और इस तरह से cos स्क्वायर t और नीचे दिया हुआ है sin t, चलो ये एक आंसर, ऊपर वाला डिवाइडेशन डिवाइडेशन ऊपर जाएगा तो cos t के साथ दूसरा sin t, नीचे क्या बचा है cos
स्क्वायर, तो ये और स्क्वायर गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन बड़ा दिमाग में जस्ट ओनली वैल्यू रखो और आंसर क्लियर ओके। नेक्स्ट देखते हैं बड़ा नंबर नाइन, इसमें एक्स है हमारे पास ए सेट थे, तो एक्स का ही खत्म करते हैं पहले, dx by d थीटा, तो a sec थीटा into tan थीटा, sec थीटा का डेरिवेशन क्या, sec थीटा into tan थीटा, सेम पे y हमारे पास क्या है b tan थीटा, b tan थीटा, तो dy by d थीटा, तो b tan का डेरिवेशन क्या है sec स्क्वायर, क्या है sec स्क्वायर, यहां भरी दिया था tan t by 2 का sec स्क्वायर ओके। हमें अल्टीमेटली ढूंढना क्या है dy by d, तो y dy by d थीटा, ये थीटा से ऊपर नीचे करो अल्टीमेटली वैल्यू तो ऊपर डिवाइड की लिखनी पड़ेगी ना, तो सीधा ही लिख देते हैं, हर बार जो स्टेप करते थे उसको वन टाइम स्किप करो तो कोई इश्यू नहीं है, sec थीटा इनटू tan थीटा ओके, ये sec कैंसिल और ये स्क्वायर कैंसिल, बचा b by a, ऊपर sec थीटा बचा, नीचे क्या बचा tan थीटा, sec थीटा डिवाइड बाय tan थीटा, इतना आंसर भी सही है, और अगर उसको आपको sin cos में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो ओके इजीली। तो क्या करना है, तो b by a, तो sec थीटा है तो उसका cos थीटा नीचे आएगा, tan थीटा है तो नीचे sin थीटा, और sin डिवाइड बाय cos, उसका cos कहां आएगा cos cos कैंसिल ओके, तो बचा क्या b by 1 by sin, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos माय अंडरस्टैंड, सभी को क्लियर है समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं, नंबर 9 तक क्लियर है, हमने सभी सम देखे हुए हैं ओके। नंबर 7 इसमें हमने छोड़ दिया है क्योंकि नंबर 7 थोड़ा ध्यान देने वाला है और मैं भी है, तो नंबर 9 तक टोटली सभी मतलब की एग्जांपल अच्छे से समझने थे और आपने समझ लिए, फोर सब टोटल किए हैं सभी को, टू टाइम्स करके मेरे को रिप्लाई का होमवर्क भेजना है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, सिस्टम नहीं छोड़ दिए बेटा उसको कंटिन्यू, जस्ट 2 सेकंड होल्ड करता हूं, पूरी चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या आपको नोटबुक में जब लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो ओके। आज की वीडियो में यहां तक ही हमें मतलब की करना है और यहां तक रखते हैं, बाकी सभी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।